तो भाई लोगों, कल जो है रियलमी एस टू प्रो जो है लॉन्च हो चुका है, और जिसकी प्राइसिंग जो अब तक आपके कानों में जा चुकी होगी। जी हाँ, ये डिवाइस लॉन्च हुआ है 30K यानी कि 30,000 रुपये में। तो कहीं ना कहीं इसकी प्राइस टैग से जो है Xiaomi जो है बहुत खुश हुआ होगा, क्योंकि Xiaomi को जो काफी खतरा था कि कहीं ये डिवाइस जो है 25,000 में लॉन्च ना कर दे, और इसकी वजह से जो इनको Redmi K20 Pro में जो है इनको खतरा महसूस हो रहा था कि यहाँ भी अब हमें कॉम्पिटिशन मिलना शुरू ना हो जाए। बट कंपनी ने जो डिवाइस है जो तकरीबन लॉन्च किया 30K में यानी कि 30,000 रुपये में, जो कि अगर कंपनी के अकॉर्डिंग देखें तो काफ़ी सही भी है, बिकॉज इसमें जो स्पेसिफिकेशन जो है इस डिवाइस को जस्टिफाई करते हैं। बट कहीं ना कहीं जो यूजर को जो एक्सेप्टेशन थी वो पूरी ना हो सकी, तो ऐसा क्यों, चलिए देखते हैं। तो जैसे कि डिवाइस लॉन्च हुआ, उसके बाद मैं गया ट्विटर हैंडल पर रियलमी के, तो वहां पर जो मुझे काफी सारे कमेंट दिखे लोगों के, तो मैं इसके डिवाइस के स्पेसिफिकेशन नहीं बता रहा हूँ, बिकॉज वो तो आप अब तक देख चुके होंगे काफी हाई एंड स्पेसिफिकेशन है इसके। जैसे कि मैंने पहले कहा कि इसकी प्राइस को जस्टिफाई करते हैं, बट यूजर के क्या रिव्यू थे। तो यूजर जैसा कि मैं भी और बाकी यूजर भी जो है एक्सेप्ट कर रहे थे कि ये डिवाइस जो है 25,000 तक लॉन्च हो सकता है, उन्हें उम्मीद थी कि हमेशा की तरह शायद रियलमी इस बार भी कुछ अलग करेगा, बट वो पूरी ना हो सकी जो हमने एक्सेप्ट किया। तो यहाँ पर काफी लोगों ने जो है लिखा है कि ओवर प्राइस, और सब ने यही कहा कि इसका 6GB और 64GB का भी एक वेरिएंट आना चाहिए था अंडर द 25,000। तो मेरे अकॉर्डिंग भी ये आना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ। तो यहाँ पे काफी लोगों ने लिखा है, अरे 2 मिनट साइलेंस फॉर ब्लाइंड सेल कस्टमर्स। तो ऐसे ऐसे जो है हमें कमेंट देखने को मिलते हैं। तो वेल, अगर देखा जाए तो 30K में जो आपको जो है काफी सारे दूसरे डिवाइस भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे Asus 6G, OnePlus 7, तो कंपटीशन में थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है। तो कुछ लोगों का कहना है कि डिवाइस सही है, बट कुछ लोग अभी बोल रहे हैं ओवर प्राइस है। तो ओवर प्राइस तो हम इसे नहीं बोल सकते, बिकॉज हमें Snapdragon 855 प्लस चिपसेट प्लस 50W का चार्जर, तो काफी सारे स्पेसिफिकेशन देखने को मिलते हैं। बट कहीं ना कहीं बात सही है कि हम जो है इसे एक्सेप्ट कर रहे थे 25,000 में, और इसका जो है 6GB और 64 या फिर 128GB का जो है वेरिएंट जरूर लॉन्च करना चाहिए था अंडर द 25,000 या 26,000, तो गेम में कुछ मजा आता Redmi K20 Pro के साथ और कॉम्पिटिशन के साथ। तो एनीवे, तो ये थे कुछ मेरे अपने ओपिनियन Realme X2 Pro को लेकर, और जो है बाकी यूजर के जो उनके ट्विटर हैंडल पर है, तो आप इसको लेकर क्या विचार रखते हैं, तो नीचे कमेंट जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। तो अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड वॉच द गिग्स प्राइम।